नमस्कार, स्वागत है आपका एमकेएन में। मैं हूं प्राची मेहरा और हाजिर हूं आपके सामने जनमुद्दा लेकर। जनमुद्दे में आज हम बात करेंगे अवैध खनन, अधिकारी खामोश। कटनी हाईवे के बाईपास रोड पर इन दिनों फोर लेन निर्माण का काम जोरों पर है, जहां 195 करोड़ की लागत से सड़कों को चौड़ा और समतलीकरण किया जा रहा है। कटनी फोर लेन निर्माण का काम श्रीजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को मिला हुआ है, जो शासन के बिना अनुमति के अवैध खनन, अवैध परिवहन कर अपने निविदा की शर्तों का उल्लंघन कर रही है। यह कार्य एनएचएआई के देखरेख में किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि निर्माण कार्य के दौरान मुरम के लिए जेसीबी और पोकलीन मशीन लगातार खनन कर रही खदान तो कहीं पहाड़ों को तो कहीं जमीन को खोदने का काम किया जा रहा है, जिसे लेकर खनिज विभाग से परमिशन भी नहीं ली गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, हाईवे से लगे ग्राम पंचायत पोसरा में जमीन से खुदाई की जा रही है। वहीं 10 से 12 किलोमीटर तक का फोरलेन निर्माण पूरा होने आ रहा है। बावजूद इसके सचिव सरपंच द्वारा कोई आपत्ति भी नहीं जताई गई और इस तरह अवैध खनन कर सरकार के राजस्व को भी चूना लगाया जा रहा है। वहीं मामले में जिम्मेदार भी सवालों से भागते नजर आ रहे हैं। श्रीजी कंपनी सरकारी कार्य कर रही है, सरकारी रोड निर्माण का कार्य कर रही है। उसमें अगर उन्होंने कोई परमिशन वगैरह नहीं ली होगी, हम कार्यालयीन अभिलेखों से जांच करा लेते हैं। अगर इस तरह की कोई अनियमितताएं की जा रही, खन निरीक्षक को हम निर्देश समक्ष में ही दे रहे हैं और उसमें अवश्य कार्रवाई करवा रहे हैं। ये कटनी फोर लेन का जो कार्य चल रहा है निजी कंपनी द्वारा, ये ग्राम पंचायत भोसरा में, मैं वहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, और इस तरह से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। ओवरलोड मिट्टी निकाली जा रही है, जहाँ से मिट्टी निकाली जा रही है वहाँ से निकलना दूभर हो गया है। हम लोग परेशान हैं, मिट्टी गिरती है, मवेशियों को निकलना मुश्किल है, ग्रामवासियों को निकलना मुश्किल है, और ये किसके द्वारा किया जा रहा है इस तरह का अवैध उत्खनन। इसमें शासन प्रशासन मदद करें, ताकि हम लोग ग्रामवासी जो है इस समस्या से जो अभी वर्तमान में निर्मित हुई है उससे हमें निजात। ग्राम पंचायत पोसरा पे इस समय जो खड़े हैं, तो पीछे की जो भूमि आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी शासकीय भूमि है, जहाँ पे श्रीजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बाईपास का फोर लेन काम का कराया जा रहा है। क्योंकि ये शासकीय कार्य है, शासन की कार्य होने के बाद शासन भी एक ठेकेदार को, एक कंपनी को इसका भुगतान करती है, और इसके बदले में उनको अपने विधिवत नियमों के तहत कार्य करना चाहिए। जहाँ भी खनन करना नियमावली के तहत करना चाहिए, पर चूँकि शासकीय भूमि है, आप हमारे पीछे का दृश्य देख सकते हैं, तमाम चीज़ों का खनन करके यहाँ की मिट्टी को और पत्थरों को तोड़ के फोर लेन की जमीन समतलीकरण किया जा रहा है। इसको पूर्ण रूप से कह सकते हैं अवैध खनन किया गया, और इसका कहीं से कोई अनुमति भी नहीं है। इस विषय में अगर हमने श्रीजी कंपनी के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे हमने बात करना चाहा तो फ़ोन नहीं उठा रहे। जब उनका ऑफिस गए तो उनके ऑफिस में किसी ने बात करने की हिम्मत तक नहीं उठाई। ये कह सकते हैं कंपनी हर तरह से अपने हर धर्मिता निभा रही है और बात करने से कतरा रही है। एमके न्यूज़ के लिए जासूस सिद्दीकी, कटनी। हम आपको बता दें, कटनी हाईवे के बाईपास रोड पर सड़क के समतलीकरण और चौड़ीकरण का यहां पर काम किया जा रहा है। वहीं ये जो ठेका है सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा एक निजी कंपनी को दिया गया है, लेकिन यहां पर देखने में आ रहा है कि समतलीकरण के लिए जिस मुरुम का या मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है वो आसपास पहाड़ों और जमीन को खोदकर वो मिट्टी निकाली जा रही है। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि खनिज विभाग से उस मिट्टी का उपयोग करने को लेकर किसी भी तरीके की कोई परमिशन नहीं ली गई है। वहीं अधिकारियों का भी यही कहना है। और आपको बता दें, इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, जाहिद हुसैन। जाहिद जी, मिट्टी का अवैध, यहाँ पर मुरुम जो है उसका अवैध उत्खनन किया जा रहा है, खनिज विभाग से भी यहाँ पर कोई परमिशन नहीं ली गई है, क्या पूरा मामला है जो ग्राम पसौरा से यहाँ पर सामने आ रहा है? जी, चौकीकरण का मामला जो है कंपनी के द्वारा कार्य कराया जा रहा है, इसमें निश्चित रूप से कह सकते हैं कि शासकीय भूमि ग्राम पंचायत पोसरा के
शमशान घाट से लगी जो जमीन थी, जो पहाड़ था, उसको तोड़ा गया, उसको मिट्टी वहां से निकाली गई और जेसीबी पोगी मशीनों के द्वारा पहाड़ को तोड़कर मुरुम बागसाइट और मिट्टी को तोड़कर फोर लेन की फिलिंग इस्तेमाल किया जा रहा था। और जैसे ही ग्राम पंचायत, चूंकि ग्राम पंचायत कटनी जनपद के अंतर्गत आता है, तो स्वाभाविक है कि वहां के लोगों को कटनी आना जाना, कटनी शहर से ज्यादा दूरी की नहीं है। तो जैसे विशेष सूत्रों से हम लोगों को पता चला कि ऐसा सा मामला हो रहा, वही के स्थानीय लोगों ने बताया था, तो हम लोग गए उस चीज को देखने खबर के लिए क्या मामला। पर चूंकि वहां जाकर देखते तो नजारा अजीबोगरीब था, खदान नुमा गड्ढा, एक इतना बड़ा गड्ढा जिसमें अगर हाथी भी समा जाए तो डूब के मर जाएगा। अगर मवेशी कहें, छोटे जानवर गाय वगैरह जो विचरण करने निकलते हैं, वो अगर गिर गए तो मर ही जाएंगे, उनको निकलने कोई रास्ता नहीं, इतने बड़े बड़े गड्ढे। उसके अलावा हम बात करें कि शमशान भूमि जिस जगह पे ये ट्रक, शमशान भूमि है जी जाहिद, वहीं यहां पर देखा जा रहा है कि जो ग्रामीण है वो परेशान है। पसौरा में फिलहाल यहां पर अवैध खनन किया जा रहा है, वहीं जो ग्राम पंचायत में सचिव है या सरपंच है, उन्होंने इस मामले में आगे शिकायत की है या क्या रवैया यहां पर देखा जा रहा है उनकी तरफ से? बिल्कुल, ग्राम पंचायत के जो सचिव है, हमारे सचिव से बात हुई, पर वो कैमरे के सामने आने से बच रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे ग्राम पंचायत कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया, ना ही कोई अनुमति दी गई है, कोई विकास कार्य में आपको सहयोग करेंगे, पर अभी तो कुछ नहीं किया, ये सिर्फ खनन कर रहे हैं, मिट्टी ढो रहे हैं। और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले की ऊपरी प्रशासन से लीपापोती की गई है, या कंपनी के द्वारा साठ गाड़ करके इस ग्राम पंचायत के जमीन को काट के मिट्टी मुरुम और बॉक्साइड निकाल के इस्तेमाल किया जा रहा। पर चूंकि उस नियमों के तहत कहा जाए कोई अनुमति प्रदान ग्राम पंचायत से नहीं है, न ही सचिव ने ऐसा कुछ स्पष्ट बताया कि हमने अनुमति को दिया। और अगर देखा जाए कंपनी को अगर कहां से अनुमति है इस बात की अपनी बात रखने के लिए, जब मीडिया का पूरा टीम जब उनसे मिलने गई थी, उनको सामने आकर बात करना चाहिए था, उन्होंने बात करने से बचे, मिलने से बचे। और ये भी बात स्पष्ट होगा कि जिस समय हम लोगों ने गया, कैमरे में कैद कर रहे थे, उनके जेसीबी चलना बंद हो गई, ट्रक हाईवे जो स्टार्ट बंद हो गए और धीमे धीमे करके सब वहां से ट्रक हाईवे भागते हुए नजर आए। यानी कि आप चोर है, अनुमति के बिना अनलीगल काम कर रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं, तब आप कैमरे से बचते हुए आपने काम रोक दिया, आपके ड्राइवर सब गाड़ी से नीचे उतर के आके खड़े हो गए और वहां से आप गाड़ियां लेके जाने लगे। यदि आप वैधानिक रूप से काम करते, नियमों के तहत मंजूरी होती, स्वीकृत होता, तो आप क्यों भागते वहां से? जी वही जाहिद जी, ये जो मामला सामने आया है, अवैध उत्खनन साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जो निजी कंपनी है उनके भी कोई जो प्रतिनिधि है वो सामने आने के लिए तैयार नहीं है, इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। वहीं अधिकारियों का क्या रवैया देखा जा रहा है, क्योंकि कोई भी काम अगर ठेके पर भी दिया जाता है किसी निजी कंपनी को तो उसकी मॉनिटरिंग तो की ही जाती है, तो वहीं अब अधिकारी इस मामले में क्या कह रहे हैं, क्यों इस तरीके से मामला सामने आ रहा है, अवैध उत्खनन हो रहा है और उसके बावजूद जो प्रशासन है उसकी उदासीनता यहां देखी जा रही है? एनएचआई की मॉनिटरिंग के तहत ही कार्य कराया जा रहा, और जैसा कि यहाँ के जो अधिकारी है उनसे हमने बात करना चाहो, फोन कॉल नहीं उठाए। और यही अगर बात कर फ्रिजी की कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के जो जिम्मेदार है, उनके जो कैंट बना हुआ, उनका जो छावनी बनी हुई है, वहां भी हम लोग गए चैम्बर में उनके, तो वहां किसी व्यक्ति ने हम लोगों से इस विषय पे बात नहीं किया। सिर्फ ये नंबर जो मिले उन नंबरों पे हम लोग संपर्क करने की कोशिश किया कि इनका वर्जन ले लें, इनका पक्ष जान लें, इनसे पूछ ले जो खनन किया जा रहा है क्या उसकी खनिज विभाग से अनुमति है, प्रशासनिक अनुमति है, अपने पक्ष रख दें। पर चूंकि वो बात करना नहीं चाहा, उन्होंने फोन कॉल रिसीव नहीं किया, यानी कि साफ कह सकते हैं ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, ना इनको मीडिया से बात करना, ना ये किसी तरह से सामने आकर अपनी पक्ष रखना चाह रहे थे। जाहिद जी, वहीं यहाँ पर क्या कारण है कि इन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि अवैध उत्खनन तो हो रहा है लेकिन अधिकारी जो है वो उदासीनता यहाँ पर कार्रवाई को लेकर दिखा रहे हैं, क्या लगता है क्या जो निजी कंपनी है इसके साथ ही जो अधिकारी है, जो प्रशासनिक टीम है, उनके बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई मिलीभगत का कोई मामला यहाँ पर नजर आता दिखाई दे रहा है? जैसा बता दें कि चाका माधव और सिंधिया चौराहा है, वहां से लेके पीर बाबा बाईपास तक का ये 18 से 20 किलोमीटर लगभग का दूरी है, 195 करोड़ रुपए का निविदा की बात अगर आई है सामने, इतना बड़ा बजट, इतना बड़ी रकम का ये टेंडर हुआ है, कहीं ना कहीं इसको सहयोग या अपेक्षा रूप से मौन स्वीकृति मिली हुई है, तब यह मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं, चाहे जहां खनन कर रहे हैं, चाहे जैसा कार्य कर,
इसमें अगर हम बात करें तो स्थानीय लोगों की, जो स्थानीय लोग जानते हैं वहाँ पे, उनका स्पष्ट कहना था कि हमारे गाँव में आने जाने के जो छोटी सी सड़क है उस पर इनके वाहन चलते हैं, उससे हमें बड़ी परेशानी होती है, तकलीफ होती है। और उसके बाद जहाँ पे हम बात करें इंदिरा आवास योजना की, इंदिरा आवास योजना से बने हुए मकानों कुछ रहाइश बस्तियों के कुछ लोग मिले, जिसमें एक वृद्ध महिला भी थी, उन्होंने कहा कि हम इनको हमेशा मना करते, मानते नहीं है, इतने गड्ढे खोद डाल रहे हैं कि बारिश मौसम में इनको निकलने में तकलीफ हो रही है। उसके बाद इन्होंने ग्राम पंचायत से शिकायत किया, फिर वहां से भी कोई इनको निराकरण नहीं हुआ, ना इनको यहाँ से किस तरह का कोई वो मिला। जी जाहिद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वही हम आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं बाईपास रोड पर, यहाँ पर फोर लेन निर्माण किया जा रहा है, जो सड़क है उसके चौड़ीकरण और समतलीकरण का ये मामला है, यहाँ पर काम निर्माण कार्य किया जा रहा है। लेकिन अवैध उत्खनन का मामला भी यहाँ पर सामने आ रहा है, जहाँ पर आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं ग्राम पसौदा में ये जो मामला है सामने आया है, जहाँ पर ग्राम की जो गाँव है वहां की जो जमीन है उसे खोद दिया गया है, गहरे गड्ढे वहां कर दिए गए, इसके साथ ही जो छोटे पहाड़ है उन्हें उनकी भी खुदाई यहाँ पर की जा रही है। वहीं खनिज विभाग जो है उसका कहना है कि किसी तरह की यहां पर परमिशन खनिज विभाग से नहीं ली गई है। वहीं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौसुफ अहमद, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौसुफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आपको। बताए मौसुफ जी, पसौरा ग्राम का फिलहाल ये मामला है जहां पर अवैध उत्खनन का मामला सामने आ रहा है, सड़क का समतलीकरण चौड़ीकरण किया जा रहा है, लेकिन जो मुरम उसमें उपयोग हो रहा है वो अवैध रूप से जमीन और पहाड़ों को खोद कर निकाला जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल कर देते हैं और चर्चा तक नहीं होता। यदि किसी आम आदमी ने अगर मास्क ना लगाया हो धोखे से, गलती से, त्रुटिवश, तो उसको 100 रुपए का ये सरकार जुर्माना कर देती है। और एक तरफ लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए का अवैध खनन करके, जिसको कहें जी शासन की नाक के नीचे, इतना बड़ा गलत कृत्य करें, उनके ऊपर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। यह जीता जागता एक भ्रष्टाचार का, सबकी मिली भगत का एक उदाहरण आपके सामने, ज्वलंत उदाहरण है, इसे हम क्या कहें, क्या करें। ये भ्रष्ट सरकार का एक बहुत ही, जिसको कहें, शानदार नमूना हम आप सबके सामने। जी मौसुफ जी, वहीं यहाँ पर अधिकारी जो है वो भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई करने की केवल यहाँ पर आश्वासन दिया जा रहा है और बात की जा रही है, क्या लगता है क्यों इस तरीके से मामला यहाँ पर सामने आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं मिलीभगत का भी मामला हो सकता है, जो अधिकारी है इसके साथ ही जो प्रशासन है उसकी उदासीनता भी यहाँ पर देखी जा रही है, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, ये कोई 5 मीटर या 100 मीटर की सड़क का मामला नहीं है जी, 12 किलोमीटर की सड़क बना दी गई है। आप अंदाज लगाइए कि यदि ये सबकी मिलीभगत नहीं होती, सबकी मौन सहमति नहीं होती, सबकी मौन सहभागिता नहीं होती, तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे होता, कैसे संभव था, आप बताइए। क्या आज के दौर में, और चलिए ठीक है, हमने मान भी लिया कि चलिए आपको जानकारी नहीं थी, नहीं रही होगी, आप एक कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे। आज जब आपको, आप जैसे जिम्मेदार चैनल ने भी संज्ञान में लेके आया सारे अधिकारियों को, उसके बाद इस विषय में कौन सी सकारात्मक कार्रवाई होगी, हो गई, और कौन सी, जितने भी दोषी उनके ऊपर कौन सा इन्होंने एक्शन लिया, उसी की जानकारी दे दें, उसी पे ये बता दें कि इन्होंने क्या कार्रवाई की, जिससे ये स्पष्ट उजागर है, ये ज्ञात तथ्य है कि ये सब इस भ्रष्टाचार की गंगा में ये सब डूबे हुए। मौसुफ जी, वहीं जो 10 से 12 किलोमीटर की सड़क बन चुकी है, वहीं 2 दिन में या 1 रात में तो ये सड़क नहीं बनी है, काफी लंबे समय से काम चल रहा है, तो जब लंबे समय से अवैध तरीके से ये उत्खनन हो रहा था तो क्यों अब तक ये आवाज नहीं उठाई गई इसके खिलाफ, और क्यों कार्रवाई करने पर जो प्रशासन है, जो अधिकारी है, उन्हें यहाँ पर मजबूर क्यों नहीं किया गया? देखिए, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अधिकारियों की और शासन प्रशासन की क्या मजबूरी है, ये आप इसी तथ्यों से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको समझ जाना चाहिए कि ऊपर हो जाने के बाद भी सबको सारी जगह ये मामला आज जी। मौसुफ जी, कुछ वक्त के लिए आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आपको बता दूं मिथिलेश जैन, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी
जी आपको सादर प्रणाम करता हूँ, एमकेएन के दर्शकों को भी नमस्कार करता हूँ। पसौदा ग्राम पंचायत से ये मामला सामने आ रहा है अवैध खनन का, वहीं यहाँ पर विपक्ष से आरोप लग रहे हैं कि मिलीभगत का मामला यहाँ पर सामने आ रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इसके जवाब में? ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के राज्य में पूरे प्रदेश में अवैध उत्खनन हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनके संरक्षण में अवैध उत्खनन का कार्य हो रहा है। अधिकारी ये कहते हैं कि सरकारी काम हो रहा है, लेकिन नियम यह है कि चाहे सरकारी काम हो चाहे निजी काम हो, सारे कामों का ठेका यदि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को मिला है तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को लीज सेंक्शन करानी चाहिए और रॉयल्टी पैड करने के बाद ही कोई उत्खनन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो ना तो लीज ली गई है ना ही कोई परमिशन ली गई है और अवैध रूप से पूरा उत्खनन करके बड़े बड़े गड्ढे तालाब नुमा बना दिए गए और पहाड़ों को खोद डाला गया है और इसमें जिला प्रशासन की भूमिका संदेहास्पद है, क्योंकि जिला प्रशासन को नॉलेज में होते हुए भी इनके द्वारा ऐसे अवैध उत्खनन को रोकने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जी मिथिलेश जी, वहीं हमारे साथ यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष मौशिफ अहमद हमारे साथ जुड़े हैं। मौशिफ जी, यहाँ पर जिला प्रशासन जो है उस पर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं और लगातार कहा जा रहा है कि ये मामला जो है ये अवैध खनन को लेकर सामने आ रहा है, किसी तरीके की जो फॉर्मेलिटीज होती है वो यहाँ पर नहीं निभाई गई है और सीधा यहाँ पर अवैध खनन शुरू कर दिया गया है ताकि जो लाभ है वो सीधा यहाँ पर मिल सके, क्या कहना चाहेंगे इसे? हम बिल्कुल, हमारे वरिष्ठ नेता है, हमारे मार्गदर्शक है आदरणीय मिथिलेश जैन जी, वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, हम उनकी बात का पूर्ण समर्थन करते हैं और आगे वो जो भी रणनीति बनाएंगे इस विषय में हम उनके मार्गदर्शन पर आगे बढ़ेंगे। जी मौसम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वहीं मिथिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर अवैध खनन का ये मामला सामने आया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सरकारी राजस्व है उस पर यहाँ पर डाका डाला जा रहा है सीधे तौर पर, तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो अवैध उत्खनन हो रहा है इसके संबंध में जिला प्रशासन को यदि आपको अवैध उत्खनन हो रहा है तो अविलंब जिला प्रशासन को इनकी FIR कराना चाहिए, अवैध उत्खनन में लगे हुए सारे वाहनों को जब्त करते हुए इनका असेसमेंट करते हुए कि कितना उत्खनन किया है, उसके ऊपर से जो करोड़ों रुपए की रॉयल्टी बनेगी वो रॉयल्टी वसूल करने की कार्रवाई इनके विरुद्ध की जानी चाहिए। मिथिलेश जी, दिन दहाड़े अवैध खनन हो रहा है, वहीं यहाँ पर जो सरकारी खजाना है उस पर यहाँ पर कहीं ना कहीं डाका डाला जा रहा है क्योंकि जो राजस्व है, जो खनन हो रहा है वो अवैध तौर पर हो रहा है, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? क्योंकि जो कार्रवाई है वो क्यों नहीं हो रही है इस मामले में, क्योंकि जो सड़क है वो एक दो दिन में तो नहीं बन गई है, लंबे समय से यहाँ पर सड़क बन रही है और अवैध खनन जो है वो लगातार उसका काम यहाँ पर जारी है। ये भारतीय जनता पार्टी के राज में नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हो सकता है कि अवैध उत्खनन करने वाला किसी न किसी प्रकार से अधिकारियों को मैनेजमेंट उसने किया हो, इस कारण से अधिकारी लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी इसमें संलिप्तता होगी, इसी अधिकारी भी इनके विरुद्ध कार्रवाई करने से कतराते हैं, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि उनका कर्तव्य क्या है और अधिकारियों को अविलंब छापा मार की कार्रवाई करते हुए ये अवैध उत्खनन बंद कराना चाहिए। जब ये अवैध खनन हो रहा है यहाँ पर किस तरीके से विपक्ष की क्या भूमिका है, क्योंकि विपक्ष ने अब तक इस मामले को क्यों नहीं उठाया है? अवैध खनन का जो काम है वो काफी लंबे समय से यहाँ चल रहा है, इसके बावजूद अब तक यहाँ पर विपक्ष की भी उदासीनता देखी जा रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, विपक्ष उदासीन नहीं है, विपक्ष हमेशा सजग है। कल भी हम लोगों ने विद्युत कटौती को लेकर के NTB का घेराव किया था, अवैध उत्खनन के लिए समय समय पर जिला प्रशासन को हम लोगों ने ज्ञापन दिए हैं, लेकिन जिला प्रशासन बिल्कुल पंगु है। कार्यवाही करने का अधिकार अगर विपक्ष को सरकार दे दे तो हम अभी जाकर के उत्खनन बंद करा देंगे। जी मिथिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वहीं सुकीर्ति जैन, पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुकीर्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। यहाँ पर अवैध खनन का यहाँ मामला सामने आ रहा है, पुसौदा जो गांव है यहाँ पर अवैध तौर पर खनन किया जा रहा है, सड़क के चौड़ीकरण का समतलीकरण का काम दिया गया था, वहीं मुरुम के लिए जो मुरुम निकाला जा रहा है वो जमीन को खोदकर निकाला जा रहा है, पहाड़ों से निकाला जा रहा है, लेकिन इसकी
किसी भी तरीके से खनिज विभाग से कोई परमिशन नहीं ली गई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या होता है कि जब कभी सड़क निर्माण का कार्य किसी भी एजेंसी को दिया जाता है तो सबसे पहली परमिशन उसको जो है खनिज में उपयोग होने वाले मिनरल्स के लिए परमिशन दी जाती है जी। अब सामान्यतः प्रक्रिया ये होती है कि ये खनिज अधिकारी से अपने आप को तालमेल बैठाकर जो है आवेदन लगाकर फिर उसकी परमिशन लिए बिना प्रस्तुत होते हैं। तीसरी बात क्या होती है कि जहां तक प्रश्न उठता है रॉयल्टी का, तो इसमें शासन को रॉयल्टी का भी लॉस होता है और जिस स्थान से ये खनिज निकाल रहे हैं परमिशन ये वहां की नहीं लेते, परमिशन किसी और स्थान की लेते हैं जहां पर शासन ने स्थान को मुरुम वगैरह खनिज के उत्खनन के लिए अनुमति दी गई है वहां की परमिशन लेते हैं और निकालते वहीं ठीक बाजू से। अब जो कटनी का जो मामला आप बता रही हैं तो ये तो वास्तव में वहां पर जो खनिज निकाल गया पूरे एक तालाब बन गया, वहां का 10 फुट गहरा तालाब बन गया है। दूसरी बात क्या होती है कि जहां खनिज निकाला जाता है तो मिट्टी धसे ना, उसको कसका कसका कहते हैं, उसको स्टेप बनाए जाते हैं, वो स्टेप भी नहीं बनाए गए हैं। आने वाले समय में अभी भी पानी भर गया है उसमें बरसात में, जबकि इस साल बरसात भी नहीं हुई है, पानी भर गया है। आने वाले समय में जब पानी भरेगा वहां सराउंडिंग में कहीं कोई सुरक्षा की बाड़ नहीं लगाई जाएगी तो आदमी भी खत्म होंगे, जानवर भी खत्म होंगे वहां पर। ये इस तरह और प्रशासनिक तंत्र तो इतना ज्यादा लापरवाह हो चुका है कि उसको कई बार लोगों ने गांव वालों ने शिकायतें की हैं। उल्टे सड़क ठेकेदार के लोग गांव वालों को मारपीट करते हैं कि आप हमें शिकायत क्यों कर रहे, हमारा कुछ नहीं होगा, और बेचारे गांव वाले जाएं तो जाएं कहां पर। ये इसी तरह जो है वो अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कहीं कोई उनको राहत नहीं मिली, ना उनकी बात की सुनवाई हो रही है। और दूसरा सरकार के राजस्व का भी नुकसान है, अवैध उत्खनन हो रहा है, अवैध उत्खनन होने से उत्पन्न जो ढांचा तैयार हुआ है उससे जान माल का खतरा भी बना हुआ है जी। सुकृति जी, वहीं यहाँ पर देखा जा रहा है कि ग्रामीण भी परेशान है जैसा कि आपने बताया, और जो सरकारी खजाना है उस पर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से डाका डाला जा रहा है। तो ये जो नुकसान यहाँ पर हो रहा है आखिरकार इसकी भरपाई कौन करेगा, क्योंकि जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं कर रहा है। किस तरीके से आगे ये जो यहाँ पर काम हो रहा है इसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है? जो शासन के कर्मचारी अधिकारियों की लापरवाही से शासन को नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान जो होता है उसकी भरपाई तो जनता को करना पड़ती है, क्योंकि जब शासन की रेवेन्यू नहीं होगी, शासन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नए तरीके बना लगाएगा, नए नए कर लगाएगा, लेकिन जहां से ईमानदारी से रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए वहां पर रेवेन्यू जनरेट ना करके ठेकेदार को उसको लाभ पहुंचाया जाए, लाभ में अधिकारी भी हिस्सेदार होते हैं। ये अब प्रश्न उठता है कि शासन प्रशासन नहीं सुनता तो शासन सुने, शासन के सामने संज्ञान में मामला लाया जाता शासन सुनता नहीं है। ये कुल मिला के जनता के पास में इन लोगों के आर्थिक अपराध का दंड भरने के लिए जनता ही है जो नुकसान को आने वाले समय विभिन्न करों के माध्यम से भरेगी। आज भी इतने ज्यादा कर लग रहे हैं, अभी टोल टैक्स लगता है, कभी किसी जगह 30-40 रुपए टोल टैक्स, आजकल 120 रुपए टोल टैक्स लगने लगा है। ये जनता क्या करे, मजबूर है जनता, जनता के आय के स्रोत घट गए हैं और जो स्रोत हैं उसी में उसको किसी से संघर्ष करके परिवार चलाना पड़ रहा है। ऊपर से इस तरह की अवैध उत्खनन होने से शासन का राजस्व हानि होती है और उसकी भरपाई आखिरी में जनता को ही भुगतना पड़ेगी। किसी कहीं कुछ तनखा अधिकारी की तनखा कहीं नहीं जाना, सरकार का टैक्स कहीं नहीं जाना जी, जहाँ नुकसान होगा जनता भरेगी जी। सुकृति जी, वहीं ये जो अवैध खनन का जो मामला है ये अभी पहला मामला तो है नहीं, काफी लंबे समय से इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं। अभी सड़क का यहाँ जमीन यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है तो कई बार इस तरीके के मामले सामने आते हैं, क्यों इस पर कोई इस तरीके से कार्रवाई नहीं होती है, क्यों आवाज इस तरीके से नहीं उठाई जाती कि इसका पूरी तरीके से खात्मा आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आखिरकार जो पीसती है वो केवल जनता है। ये बात तो सच है, जनता तो पिसती है, अब सरकार को सुनना चाहिए। सरकार जो होती है ये जनता और प्रशासन के बीच की एक जिम्मेदार कड़ी है जी। जो जनता के द्वारा निर्वाचित होती है और प्रशासन के माध्यम से शासन को चलाती है, इन दोनों के मध्य में ये महत्वपूर्ण कड़ी है कि जो सरकार जो होती है, चुनावी नुमाइंदे होते हैं, उनको सरकार के आर्थिक लाभ को भी नुकसान होने से बचाना चाहिए और जनता को होने वाली कठिनाइयों से भी बचाना चाहिए। उनका उनका उत्तरदायित्व है, उसको उत्तरदायित्व को निर्वहन करेंगे तो शासन को भी आय बराबर मिलती रहेगी और जनता को भी कठिनाई। अब जैसे ये 10 फुट गहरा गड्ढा बन गया है,
पूरा एक तालाब बन गया था, आने वाले समय देख लीजिए आप वहाँ पर कई मवेशी मरेंगी, लोग जान माल खत्म होगा, ठेकेदार सड़क बना के चला जाएगा, पैसे लेके चला जाएगा। सुकृति जी, उल्टी चीजें काम करके चला जाएगा। की कमी के चलते बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वहीं हम आपको बता दें कि सड़क निर्माण यहां पर किया जा रहा है, कटनी हाईवे बाईपास पर यहां पर सड़क के चौड़ीकरण और समतलीकरण का ये मामला है, जहां पर अवैध रूप से खनन किया जा रहा है मुरुम के लिए। आखिरकार अवैध खनन का ये जो मामला है एक बार फिर हम सबके सामने आया है, पिछली बार पहले भी कई बार इस तरीके के मामले सामने आए हैं, लेकिन कार्रवाई यहां पर आरोपियों पर नहीं होती है। कई बार मिलीभगत के मामले सामने आते हैं, तो बंदरबाट का मामला भी यहां कहीं ना कहीं सामने आता है। अब देखना होगा कि इस तरीके से पसौरा गांव में ये जो अवैध खनन हो रहा है, ग्रामीणों को ही इसे झेलना होगा या आखिरकार इसमें कोई कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए जनमुद्दे में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।